नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के बारे में, किस तरीके का नतीजे, क्या यहां पे नतीजों के बाद स्टॉक में एक रिकवरी देखने मिलेगी या फिर और भी गिरावट जो है कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। सारे आंकड़े जो है वो करोड़ में है और सबसे पहले हम बात करें टोटल इनकम की। कंसोलिडेटेड नंबर है ये, 2258 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर में होती दिख रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में लगभग 1686 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एक अच्छी खासी टोटल इनकम में बढ़त देखने मिल रही है, लेकिन 1471 करोड़ का नंबर जो था पिछले साल था, तो वहां से भी अगर आप देख रहे हैं तो साल दर साल एक अच्छी खासी जंप जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंस का आंकड़ा 2067 करोड़ का आता दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर 1430 करोड़ था। तो एक्सपेंस भी जो है साल दर साल बढ़ रही है। 1516 करोड़ का नंबर जो था पिछले सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने पेश किया था, तो उसके मुकाबले भी लगभग यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो एक्सपेंस है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस बार प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर है आता हुआ दिख रहा है 103 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल था 50 करोड़ के आसपास का। तो साल दर साल देख रहे हैं तो आपको ये आंकड़ा डबल होता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे मोटा मोटी नंबर अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 150 करोड़ से घट के 103 करोड़, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी ईपीएस कितनी आती हुई दिख रही है। आप देखेंगे ईपीएस है 47 पैसे की इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 74 पैसे थी, 14 पैसे पिछले साल थी। इस साल के 9 महीने में आप देखेंगे तो 2 रुपए 39 पैसे की ईपीएस कंपनी ने क्लॉक किया, यानी कि मोटा मोटी अगर इसका एस्टिमेट लगाते हैं 3 सवा 3 रुपए के आसपास की ईपीएस जो है साल में आएगी। अगर अगला क्वार्टर भी अगर नतीजे आ गए तो अगले क्वार्टर में जो प्रॉफिट आएगा उस हिसाब से 3 रुपए के आसपास की इसकी ईपीएस होगी पूरे साल भर की। अब सबसे मेन चीज, स्टॉक किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है? 844 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद में, यानी कि 2200 रुपए से ये स्टॉक गिरना चालू हुआ है और उसके बाद अभी 844 रुपए पे चल रहा है। तो इसकी ईपीएस 3 रुपए की एस्टिमेट चल रही है और अभी भी अगर आप इसको 3 रुपए को 844 से घटाते हैं तो कहीं ना कहीं 300 सवा 300 के पी रेशियो पे आपको ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। यानी कि समझ सकते कितनी महंगी ज्यादा वैल्यूएशन अभी भी इस स्टॉक में बनी है। 300 350 की वैल्यूएशन पे फिलहाल तो ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और जब ये स्टॉक लगभग आपने देखा था 3000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि 1000 की पी वैल्यू पे भी ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि किसने यहाँ पे 1000 के वैल्यूएशन पे भी लेने की उम्मीद की और उसको क्या ऐसा दिख रहा था, और जो कि अब 900 के भाव पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या यहाँ से भी ये कंटिन्यूएशन होता हुआ दिख सकते गिरावट की। तो कहीं ना कहीं एक चीज साफ है, आज का दिन अगर आप देख भी रहे तो लोअर सर्किट पे स्टॉक बंद हुआ 844 के। हालांकि दिन में आपको वॉल्यूम बहुत जबरदस्त देखने मिले, 14 मिलियन से ज्यादा, क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बार अपर सर्किट की तरफ भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था। 933 रुपए की अपर रेंज थी और 944 रुपए 65 पैसे पे आज यहाँ पे लोअर सर्किट पे जाके फिलहाल बंद हुआ। तो दिन भर के उतार चढ़ाव के फाइनली क्लोजिंग के साथ ही बंद हुआ, जिसके कारण यहाँ पे बहुत से ट्रेड हुए जिसका आपको वॉल्यूम देखने मिल रहा है। पिछले दिन से लगातार 3 दिनों में आपको लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, वॉल्यूम ना के बराबर थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओनली सेलर्स थे, बायर थे नहीं। लेकिन आज यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों को ही खेलने का मौका मिला इस स्टॉक में, जिसका आपको वॉल्यूम बड़े देखने मिले। आने वाले दिनों में भी आपको हो सकता है यहाँ पे अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही साइड के ट्रेड देखने मिले। फिलहाल अभी सर्किट 5% का है, इसलिए ज्यादा बड़ा मूवमेंट जो है इस स्टॉक में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा था गिरावट हुई थी तो 20-20% के सर्किट जो थे वो लगते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अभी सर्किट 5% का, तो ये बात की चीज एक अच्छी मानी जा सकती है कि 5% से ज्यादा स्टॉक गिर नहीं सकता या चल नहीं सकता। लेकिन अब देखना होगा कि इस स्टॉक में रिकवरी आती है या नहीं आती, या फिर यहाँ से स्टॉक कहीं ना कहीं और करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा नतीजों के दम पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।